प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार 3 जनवरी से देश भर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शुरू हो गया। इसी कड़ी में चिकित्सा विभाग द्वारा रामगढ़ कस्बे के लिटिल प्लार्क स्कूल, कृष्णा मेमोरियल स्कूल और बस स्टैंड के समीप सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निदेशक मनीष खंडेलवाल की उपस्थिति में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोरोना वैक्सीन टीकाकरण किया गया, जिसमें सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य मनीषा मोदी ने बताया कि स्कूल में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण चिकित्सा विभाग की ANM कौशविंद्र कौर व उनके सहयोगी द्वारा किया गया, लेकिन डोज कम होने के कारण केवल कक्षा 10 विद्यार्थियों का टीकाकरण हुआ, जिनके अभिभावकों ने सहमति प्रदान की थी। शेष कक्षाओं के विद्यार्थियों का टीकाकरण अभिभावकों की सहमति से वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद कराया जाएगा। मीनाक्षी पुरोहित, प्रिंसिपल, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे स्कूल में टीकाकरण का प्रोग्राम किया गया, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन डायरेक्टर सर मनीष खंडेलवाल जी की उपस्थिति में ANM कुशविंदर कौर द्वारा किया गया। वैक्सीन कम होने के कारण शेष बच्चों का टीकाकरण वैक्सीन उपलब्ध होने पर करवाया जाए।